में बसा रखा है, आपकी यादों को दिल से लगा रखा है। पता नहीं आप लोगों की ही याद क्यों आती है, जबकि दोस्त तो हमने और भी बना रखे हैं। हेलो गाइस, मैं प्रदीप नागर आप सभी का वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल बायो मंत्र में। गाइस, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें आज का जो हमारा लेक्चर है वो पार्ट नंबर थर्ड है। अगर आपने जो है पार्ट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखा है तो आपको उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। इसमें हम 43 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने 42 क्वेश्चन जो है पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ लिए थे। तो 43 क्वेश्चन क्या है आज का हमारा क्वेश्चन है, जीवाणुओं का वर्गीकरण किस पुस्तक में मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, जीवाणुओं का वर्गीकरण जो है आपके बर्गिस मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। तो आपकी जो पुस्तक है जिसमें जीवाणुओं का वर्गीकरण मिलता है उसका नाम क्या है, बर्गिस मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। और इसको जो प्रकाशित किया गया था, ये किया गया था सन 1923 में, और ये किसने किया था, तो D.H. बर्गी नामक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस बुक का प्रकाशन किया था जिसमें जीवाणुओं का क्या है, वर्गीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, मतलब 44 की बात करते हैं। फाइटोप्लाज्मा को डोई ने क्या नाम दिया, तो फाइटोप्लाज्मा को डोई ने यहाँ पे माइकोप्लाज्मा जैसा जीव का नाम रखा है। ठीक है, क्या नाम रखा है इसको मैं थोड़ा सा साफ करूंगा। आप जो हैं नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठे हैं ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ से आपके एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने यहाँ पे क्या नाम दिया, माइकोप्लाज्मा जैसे जीव। ठीक है, क्या नाम दिया, माइकोप्लाज्मा जैसे जीव। और इस नाम को माइकोप्लाज्मा जैसे जीव नाम जो दिया था इसको 1994 के अंदर, कब, सन 1994 में इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया, फाइटोप्लाज्मा कर दिया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और कब किया गया ये, 1967 में डोई नामक साइंटिस्ट ने फाइटोप्लाज्मा को माइकोप्लाज्मा जैसा जीव कहा था, जिसका 1994 में क्या नाम कर दिया, वापस माइकोप्लाज्मा जैसा जीव का नाम फाइटोप्लाज्मा कर दिया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, फाइटोप्लाज्मा की कोशिका में किस प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल के रूप में मौजूद होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर राइबोसोम की, तो राइबोसोम जो है 78 प्रकार का पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो फाइटोप्लाज्मा की कोशिका में किस प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का और आरएनए, और राइबोसोम की बात करोगे तो 78 टाइप का इसमें राइबोसोम मौजूद होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, फाइटोप्लाज्मा को वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो फाइटोप्लाज्मा को वृद्धि के लिए स्टेरोल नामक पदार्थ की आवश्यकता होती है। किसकी, स्टेरोल नामक पदार्थ की आवश्यकता होती है। और जो फाइटोप्लाज्मा है इसकी वृद्धि पर टेट्रासाइक्लिन नामक प्रतिजीवी का कोई असर नहीं पड़ता है इसकी वृद्धि पर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, आद जीवाणु या आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। और जो आपकी यहाँ पे आद जीवाणु या आर्की बैक्टीरिया जो है ये कठिन आवासों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे गर्म झरनों के अंदर या फिर हम कह सकते हैं लवणों के अंदर। ठीक है, इनके मतलब बहुत कठिन आवासों के अंदर ये पाए जाते हैं, जहां पे पीएच ज्यादा होती है वहां पे अम्लीय क्षेत्रों में, तो इस तरीके से कठिन आवासों में ये मौजूद होते हैं। साइनोबैक्टीरिया को किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया को हम BGA के नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो साइनोबैक्टीरिया को आप BGA के नाम से जानते हैं, और ये एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक जीव है जिसके अंदर क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है। फाइकोसाइनिन
नामक वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और फाइगोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, तंबाकू में मोज़ेक रोग को किसने सिद्ध किया था, तो ये किया था आपके इवानोवस्की ने, जो कि कब किया था, ये किया था आपके सन 1892 में, ठीक है, कब किया था, सन 1892 में किया था। और देखिए यहाँ से कैसे सिद्ध किया इन्होंने, इन्होंने बताया कि जैसे कोई भी डिजीज वाला प्लांट है आपके पास में, ठीक है, तो वो डिजीज वाला प्लांट का अगर हम उसकी पत्तियों से रस निकाल लेते हैं और किसी अन्य जो स्वस्थ पादप है उसकी पत्तियों में हम उसको रस को लगाते हैं, तो वो प्लांट जो क्या हो जाता है, डिजीज से ग्रसित हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर भी ये मोज़ेक रोग है वो पहुंच जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इस तरीके से इन्होंने जो है इवानोवस्की ने 1892 के अंदर क्या किया, तंबाकू में मोज़ेक रोग को सिद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, एडोल्फ मेयर ने तंबाकू में एक रोग का वर्णन किया था जिसका नाम क्या रखा गया, तो एडोल्फ मेयर ने तंबाकू में एक रोग का वर्णन किया जिसका नाम रखा मोज़ेक, क्या नाम रखा, मोज़ेक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, तंबाकू का मोज़ेक रोग विषाणु से होता है, ऐसा किसने बताया था, तो ध्यान दीजिएगा ये जो है आपके बिजेरिक नामक एक साइंटिस्ट आता है आपके पास में, जिन्होंने बताया था और 1898 में, ठीक है, कब बताया था, 1898 के अंदर ये बताया गया था। और आगे बात करते हैं पादप विषाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी किसे कहा जाता है, तो ये आपके बिजेरिक को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बिजेरिक को कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बातों पर। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, तंबाकू मोज़ेक विषाणु को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किसने किया था, तो ये किया था आपके स्टेनले नामक एक साइंटिस्ट ने सन 1935 के अंदर, कब किया था, सन 1935 में स्टेनले नामक वैज्ञानिक ने तंबाकू का मोज़ेक विषाणु जो है इसको क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था, तो ये स्टेनले है 1935 में। नेक्स्ट बात करते हैं 54 की, परिपक्व विषाणु कण को किस नाम से जाना जाता है, जो परिपक्व होता है आपके पास में विषाणु उस कण को किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा वीरियन के नाम से इसको जाना जाता है, वीरियन, यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है तो ध्यान दीजिएगा, आप सुनिएगा अच्छे तरीके से, तो वीरियन के नाम से इस परिपक्व विषाणु कण को ना जाना जाता है। और 55 की बात करते हैं, विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन आवरण से, आनुवांशिक पदार्थ की हम यहाँ पे बात करें तो डीएनए और आरएनए आपके पास में आनुवांशिक पदार्थ मौजूद होता है इन विषाणुओं के अंदर, जो कि प्रोटीन आवरण से ढका होता है, जिसे क्या कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कैप्सिड, क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। आगे बात करते हैं 56 की, टीएमवी में किस प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर किस प्रकार का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे आरएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाली बात ये आती है, 57 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, कंफ्यूजन क्या आती है कि कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में किस प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ होता है, आप यहाँ पर जो है ऑब्वियसली आरएनए ही लगाते, लेकिन नहीं लगाना है आपको, क्योंकि इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, क्या होता है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस की जब हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की बात आती है, तो विषाणु का कौन सा भाग संक्रमणकारी होता है, तो विषाणु का एक भाग है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल जो कि संक्रमणकारी होता है, और इसी के साथ बात करें कि जो विषाणु है ये आपके न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, तो इनके अंदर जो प्रोटीन होता है वो सुरक्षा कवच का काम करता है, किसका काम करता है, सुरक्षा कवच का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, जीवाणु बोजी की खोज किसने की थी, टॉट और हेरल ने की थी, ठीक है, किसने की थी, टॉट, जो कि 1915 के अंदर की थी, और जो हेरल है, हेरल, इन्होंने 1917 में इसकी खोज की थी, और जो आपके जीवाणु बोजी है, बैक्टीरियोफेज है, ये नाम भी आपके हेरल ने दिया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की, वायरोइड की खोज किसने की थी, तो ध्यान दीजिएगा जो वायरोइड है आपके इसकी खोज की है टी ओ डाइनर ने, किसने की है, टी ओ डाइनर ने, जो कि सन 1971 में दी है, कब दी है, सन 1971 में दी है, और जो आपकी शब्द है वायरोइड इसकी खोज भी इसी ने की है, और क्या दिया है इसको, नाम भी इसी ने ही दिया है टी ओ डाइनर ने। अब देखो ये जो वायरोइड है इसकी खोज किस रोग के अंदर की गई थी,
तो आलू का तरकु कंद रोग, आलू का तरकु कंद रोग के अंदर इस वायरोइड की टी ओ डाइनर ने सन 1971 में खोज की थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की, कडंग कडंग रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है आपके वायरोइड के कारण, किसके कारण? वायरोइड के कारण होता है। आगे बात करते हैं कि भेड़ व बकरी के स्क्रेपी रोग में संक्रमणकारी प्रोटीन कण की खोज कर प्रियोन नाम किसने रखा था? क्वेश्चन दोबारा सुन लो कि भेड़ और बकरी के अंदर एक रोग होता है स्क्रेपी रोग, ठीक है, जिसमें संक्रमणकारी जो प्रोटीन कण होता है, तो संक्रमणकारी प्रोटीन कण की खोज करके और इस संक्रमणकारी प्रोटीन कण का नाम क्या रखा? प्रियोन रखा, ठीक है। अब ये किसने रखा उसी को बताना है हमें। तो यहाँ पे एस बी प्रूजिनर नामक एक साइंटिस्ट आता है, इन्होंने ऐसा कारनामा किया है। तो ध्यान दीजिएगा, और ये कब किया है? 1982 में किया है, 1982 में किया है। तो गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो है पार्ट नंबर थर्ड को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें समथिंग 62 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जो है अच्छी तरीके से वीडियो को देखिए, सारी वीडियो को देखिए जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने बता रखे हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।